हाय गाइस, ये आज हमारा शादी के बाद का दूसरा दिन है और हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था, जयपुर जाना है, तो कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना करते करते बहुत ज्यादा यू नो टेंशन रही। और अब फाइनली हमारा ये तय हो चुका है कि हम लोग जो है जयपुर जा रहे हैं। तो अभी रात के हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 11:30-12 बज रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से घर जाएंगे और फिर घर से हम लोग सुबह 4 बजे निकलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि रात को शायद हमें सफर नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे भी हैं और यू नो लेडीज हैं हमारे साथ, तो हमें रात को सफर नहीं करना चाहिए। रात का सफर हो सके तो अवॉइड ही करो। तो हम लोग सुबह 4 बजे निकलेंगे क्योंकि हम किसी अनजान शहर जा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है रोड के बारे में, तो हम अवॉइड करेंगे कि रात का सफर ना करें। तो सुबह 4 बजे हम लोग निकलेंगे और फिर दिन का सफर हम लोग जयपुर के लिए करेंगे। तो चलिए आप लोगों को आज जयपुर ले चलते हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अब हमारा सफर शुरू होने वाला है जयपुर के लिए। और अब थोड़ी देर में, बस 5-10 मिनट हम लोग निकलने वाले हैं। तैयार तो सारे हो चुके हैं, तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और जा रहे हैं जयपुर की तरफ। मेरे ख्याल से हमें 8-9 घंटे तो लग ही जाएंगे यहाँ से जयपुर पहुंचने में। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी थोड़ी देर बाद। हिमालयन हाईवे ढाबा, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कुछ सैंडविच वगैरह खाते हैं, चाय वगैरह। और ये है यहाँ पे वॉशरूम तो बहुत बुरी हालत में है, यहाँ का वॉशरूम मत यूज़ कीजिएगा। बाकी अब खाने का देखते हैं कि खाना कैसा होने वाला, खाने का बताते हैं आपको। अभी सैंडविच जो हैं, हमने 2 सैंडविच लिए थे यहाँ पे, 310 रुपये के सैंडविच आए और साथ में एक चाय। वर्थ इट नहीं है 300 रुपये में। 300 रुपये में आप चंडीगढ़ में 3 बंदे पेट भर के खाना खा सकते हो, अगर परांठे वगैरह खाते हो तो। बट इतना कुछ खास था नहीं, बट चलो भूख लगी थी तो हम सोचा कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं यहाँ पे। अभी क्योंकि इस रोड पे, पूरी रोड पे हमें मुश्किल से ये एक ढाबा दिखा था, अदरवाइज कोई यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई ढाबा नहीं है। तो अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा नहीं आया मतलब। अभी टाइम 10 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा धुंध है। मेरे ख्याल से 100 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है ठीक से। और अभी हमने पीछे देखा, एक पूरा ट्रैक्टर पलटा हुआ था, बहुत बुरी हालत हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा धुंध है। इस साइड भी इतना धुंध है और इस साइड भी बहुत ही लो विजिबिलिटी देख सकते हो आप। वैसे एक चीज़ अच्छी है, हमने जयपुर के लिए जो टर्न है वो टर्न ले लिया है और यहाँ पे जो हमें टोल पड़ा वो 350 रुपये का टोल था। मैं तो आराम से इस बार लेटते हुए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो ड्राइव कर रही है इस बार और मेरे दोनों बच्चे दोनों आराम से सोते हुए जा रहे हैं। गाड़ी चल रही है हमारी, 100 की लिमिट है यहाँ पे। इतना पार्ट तो बफरिंग में चले जाता है। अब हम लोग मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है राजस्थान में और हम लोग यहाँ का जो है कल्चर देखेंगे कैसा है और दूसरा खाना पीना भी देखेंगे कैसा है। मेन तो खराब ही नहीं है, वो देखेंगे पहले कहाँ मिलता है बढ़िया। गाइस, मेरी सिस्टर ने बोला मुझे कि लोगों को बता दे कि तू करने क्या जा रहा है राजस्थान, तो
शायद आप लोगों को पता होगा कि मैं रिसेप्शन अटेंड करने जा रहा हूँ अपनी सिस्टर की, जो अभी अभी अपनी मैरिज की वीडियोस डाली थी ना, वही रिसेप्शन अब जो है उनकी, मतलब लड़कों वालों की तरफ से राजस्थान में हो रही है, जयपुर में। तो हम वो रिसेप्शन अटेंड करने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों से अब मिलते हैं आगे। पहले तो अभी हम खाना पीना खाएंगे कहीं पे, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे फंक्शन दिखाएंगे राजस्थान का कैसा है, क्या है क्या नहीं है। वैसे तो आज धुंध छा रखी है सारी जगह, तो दिख नहीं रहा कुछ खास ना बाहर, अदरवाइज आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाता मैं। ये देखो आज धुंध में कितना बुरा हाल है। एक गाड़ी जो है साइड में, जो क्या कहते हैं फुटपाथ है, पता नहीं नाली है ये, इस पे चढ़ गई है। टायर भी बाहर निकल गया उसका, गाड़ी का एयर बैग्स निकले हुए हैं। आई थिंक कोई दुर्घटना ना हुई हो, नहीं हो रखी। यहाँ से लोग जो है उल्टी साइड पे आ रहे हैं। तो अगर आज के दिन आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, वैसे आज के दिन तो कैसे पता लगेगा, मतलब इस टाइम पे अगर आप सर्दियों में यहाँ ड्राइव करते हैं तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव कीजिए, बहुत बुरी हालत हो रखी है धुंध की वजह से। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं शाहपुरा, और यहाँ पे शाहपुरा में देख सकते हो आप लोग, ये पहाड़ है हमारे साइड में। वैसे पहाड़ है, टीले हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, देखो ऊपर एक मंदिर भी है वहां पर। इतनी क्या जरूरत हो रखी इस बंदे को, भैया फोर व्हील ड्राइव नहीं है आपकी, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है। नहीं निकली ना, बेस निकल भी है वो, नहीं निकला, नहीं निकला। ये निकालेगा आराम से ये। ये गाइस छोटे को मस्ती चढ़ रही है दीदी को तंग कर रहा है ये बेटा, दीदी सो रहे हैं, दीदी को तंग नहीं करते। गाइस अब हम लोग जो है जयपुर एंटर कर चुके हैं, बस थोड़ी ही दूर है जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। मेरे ख्याल से यहाँ से 5 या 10 मिनट का रह गया अब। गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे सामने बोर्ड लिखा है मुंबई 1162 किलोमीटर, अजमेर 125 किलोमीटर, और जयपुर जो है 4 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब है शाम को पार्टी का टाइम, और अभी हम जब तैयार होने लगे तो मैंने देखा कि जो मेरी मतलब ड्रेस थी शाम की, मेरा पैंट कोट, वो रह गया चंडीगढ़ में। शायद मेरी गलती की वजह से अब मुझे ऐसे ही तैयार होना पड़ेगा सिंपल। तो गाइस अब हम लोग हो चुके हैं रेडी पार्टी के लिए, और जैसा मैंने बताया था मैं अपना पैंट और कोट तो घर पे भूल गया था, अपना जो भी मेरा ड्रेस था पार्टी का, बट अब ये मिला है यहाँ पे राजस्थान में। ठीक लग रहा है वैसे, कुछ 3000 रुपये के आसपास मेरा खर्चा हुआ है इसमें, और यू नो ठीक ठाक कपड़े आ गए।
जहाँ पे हम लोग आज रिसेप्शन के आए हुए हैं और पार्क बहुत ही अच्छा है, मतलब देखने में काफी मतलब अच्छा लगा देखने में यहाँ पे। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, ओदा पंगे लगदे आ ओनू चंगे लगदे आ तां ही सोचा भंगणा पवालवा, सोचा शरेआम हो जा सोचदियां नावें ओदा गुट्टी उत्ते टैटू बनवालवा, सोचदी फिटाल दी मैं फिट मदे दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल। तो गाइस अब हम लोग मैरिज के जो रिसेप्शन पार्टी थी उसको अटेंड करके आ चुके हैं अपने चाचा के घर पे। तो आज हम आए हैं अपने चाचा के घर पे। ये चाचा जी जो है हमारे ये आर्मी में है, आर्मी में क्या है कैप्टन, ये आर्मी में कैप्टन है। जय हिंद सर। ये चाचा जी ने हमारे घर बना रखा है। ये हमारे भाई साहब। ये सिया इसको तंग कर रही है। बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ चाचा जी ने, मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया रखे हुए सारे। अभी सोने की तैयारी चल रही है और इसका डांस चल रहा है।